आज लाखों की तादाद में यहाँ पे लोग कांशीराम जी को श्रद्धांजलि देने आए हैं, तो कांशीराम जी ने ऐसा क्या काम किया था जो बहुजन समाज उनको आज भी याद करता है? एक अंग्रेजी में कहावत है, द फर्स्ट वुमन थी इक्वल्स। इसका मतलब होता है कि जो समाज के हैं, जितने भी लोग हैं, उनमें कुछ लोग ही हैं वो शासक बने हुए हैं। जैसे उन्होंने कई बार पेन के उदाहरण जो देते हैं कि जो 85% जो पेन है वो काम करता है, और जो उसका ढक्कन होता है, जो खोपी होता है, वो उसके सर के ऊपर बैठ जाता है और 85% पर शासन करता है, तो ऐसा शासन नहीं चलेगा। दूसरी बात उन्होंने बोला था कि जो सामाजिक जो संगठन है वही जुल्मों का, मान कि जुल्मों की स्थापना कर सकते हैं, जुल्मों का संघर्ष कर सकते हैं, बाकी जो चमचे हैं ना वो तलवे ही, चमचे हैं वो तलवे ही चलाते हैं। कहा कि देने वाला समाज में ही लाल पैदा होता है, उन्होंने कहे थे कि जो देने वाला समाज है उसमें ही लाल पैदा होते हैं और मांगने वाला समाज में दलाल पैदा होते हैं। ये सबसे बड़ी विशेषता था कि उन्होंने बोला कि देने वाले समाज में ही लाल पैदा होते हैं और मांगने वाला समाज में दलाल पैदा होते हैं। उनका मतलब कहने का यही था कि जो समाज में आज है, जो 85% लोग हैं, वो आज गुलाम किस तरह से बने हुए हैं और अपने अधिकार को नहीं कर पाते। उन्होंने जाति विहीन के आधार पर कहा कि जाति विहीन समाज ही शासन कर सकता है, यानी जाति विहीन ही समाज शासक होता है। दूसरी बात, सबसे बड़ी विशेषता उनकी थी, एक वाक बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा उन्होंने कहा था। मैं उस घटना की याद करता हूँ जिन्होंने, जो 25 सितंबर की घटना हुई थी शिवपुरी में, उसके आधार पर उन्होंने एक विचार बहुत पहले ही उन्होंने बता दिया था कि जिस कौम को मुफ्त में खाने की आदत हो ना, वो कभी क्रांति नहीं कर सकती, और जो कौम क्रांति नहीं करेगी वो कभी शासक नहीं बन सकती, और जो शासक नहीं बन सकता, जो शासक नहीं बन सकता वो अपनी बहु बेटियों का रक्षा नहीं कर सकता। जो शिवपुरी में आपने देखा था कि कैसे जो रोशनी है, जो दलित समाज की एक रोशनी थी, जो 12 साल की उम्र में ही उसे किस तरह से मार दिया गया था, और 10 साल के अविनाश को, तो आप बता सकते हैं कि जिन्होंने उन्होंने विचार दिया था, जो उस विचार पर लोग कायम नहीं है, और जो उन्होंने चमचा युग जो किताबें लिखी थी, आज उसी का चरितार्थ हो रहा है कि लोग दूसरे की तो चमचागिरी कर रहे हैं मगर अपना शासक चलाने के लिए नहीं सोच रहे। हाँ, उन्होंने M3 का सबसे बड़ी विशेषता बताई थी कि जब आप रास्ते में, जब उन्होंने बताया कि जब आप रास्ते में संघर्ष करते होगे तो M3 की जीत होगी, मनी माफिया और मीडिया, जो आपको कभी बढ़ने नहीं दे, क्योंकि हमारे समाज में आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं। दूसरी बात की माफिया है जो समाज को दलालों में फंसाते हैं, और मीडिया है जो हमारे पास, मीडिया काम नहीं करती, चाहे हमारे मीडिया हमारे पास नहीं है, जिसके कारण हम आज बहुत पीछे हैं। अगर मीडिया हमारी साथ दे तभी हमारी समाज आगे बढ़ सकती है, क्योंकि कहीं भी हमारे 10 लोग अगर इकट्ठा भी होते उसको मीडिया दिखाती नहीं है, क्योंकि आज जो भी मीडिया है वो मनुवादी मीडिया है। और सबसे बड़ी विशेषता है कि आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मीडिया वालों को, जो हमारे समाज के आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।